What is up guys, DSTK here and finally iPhone 11 series के iPhone की बैटरी रिकैलिब्रेशन की प्रोसेस खत्म हो चुकी है आफ्टर 2 वीक्स ऑफ iOS 14.5 रिलीज और जो रिजल्ट मिले हैं वो है क्वाइट ट्रिकी एंड एनोइंग। बहुत से लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर किया था इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर मैंने देखा कि आफ्टर बैटरी रिकैलिब्रेशन प्रोसेस कुछ एक iPhones में बैटरी हेल्थ इंक्रीज हुई है इंक्लूडिंग माइन वन और कुछ एक iPhones में डिक्रीज भी हुई है। तो क्या अभी तक एप्पल ने ये बग फिक्स नहीं किया क्या एंड एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन द रिकैलिब्रेशन battery health process, so stay tuned till the end and simply let's get started. सो गाइज, ये जो बैटरी रिकैलिब्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी आफ्टर अपग्रेडिंग टू iOS 14.5 एंड पर्टिकुलरली फॉर iPhone 11, iPhone 11 Pro एंड iPhone 11 Pro Max के लिए एंड ऑल्सो अबाउट बैटरी रिकैलिब्रेशन प्रोसेस, मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है चैनल के ऊपर, तो सिंपली आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। और इन शॉर्ट अगर अपन बात करें अबाउट रिकैलिब्रेशन बैटरी हेल्थ, तो बहुत टाइम से iPhone 11 सीरीज के हर एक iPhones के अंदर बैटरी रिलेटेड इश्यूज थे और एप्पल ने एड्रेस भी किए हैं एंड फाइनली iOS 14.5 की सॉफ्टवेयर अपडेट में वर्ल्ड वाइड बैटरी रिकैलिब्रेशन की प्रोसेस पुश किया है, जिसके अंदर स्टार्टिंग से बैटरी की जो मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी है वो मॉनिटर होगी एक्यूरेटली, जो कि प्रीवियसली नहीं हो पा रही थी और बैटरी ड्रेनेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था हर एक iPhone 11 सीरीज के iPhones के अंदर। तो बैटरी रिकैलिब्रेशन प्रोसेस के अंदर मॉनिटर होगी आपके iPhone की बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी एंड पीक परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, स्टार्टिंग से मेजर होगा कि कैसे आप बैटरी चार्ज करते हैं वगैरह, मींस आपकी जो चार्जिंग साइकल्स है एंड ऑल्सो अबाउट बैटरी एजिंग आफ्टर यूजेस एंड ऑल, एंड ऑल्सो आपको बैकअप कितना मिलता है 100% चार्ज करने के बाद। ये ऑटोमेटिक ये सारी प्रोसेस बैकग्राउंड में होगी एंड ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं ये प्रोसेस को और मोस्ट ऑफ द आईफोन्स में ये प्रोसेस खत्म भी हो चुकी है और जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट है कंपेयर टू प्रीवियसली। आपको जो भी परसेंटेज शो है आपके बैटरी हेल्थ वाले ऑप्शन के अंदर अभी के लिए, अगर मैं बात करूं मेरे केस की, तो बिफोर बैटरी रिकैलिब्रेशन प्रोसेस आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि मेरी बैटरी हेल्थ थी 89% और आफ्टर रिकैलिब्रेशन बैटरी हेल्थ अभी जो मेरी बैटरी हेल्थ परसेंटेज शो रहे है मेरे बैटरी हेल्थ वाले ऑप्शन में वो है 100%। यहां पर मैंने कोई बैटरी रिप्लेस वगैरह नहीं करवाया है बट मेरे केस के अंदर यहां पर बैटरी हेल्थ इंक्रीज हुई है। बट इंस्टाग्राम पे हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर सक्षम, उन्होंने यहां पर शेयर किया है उनका एक्सपीरियंस जिसमें उनकी 93% थी बैटरी हेल्थ बिफोर रिकैलिब्रेशन बैटरी हेल्थ और रिकैलिब्रेशन होने के बाद उनकी बैटरी हेल्थ हो गई है 90%। तो इनके केस में जो बैटरी हेल्थ परसेंटेज जो शो हो रहे हैं अभी के लिए वो एक्यूरेट है कंपेयर टू प्रीवियसली, बिकॉज पहले क्या था मॉनिटरिंग सिस्टम में बग था बट यहाँ पर रिकैलिब्रेशन बैटरी हेल्थ की प्रोसेस के बाद जो भी आपको बैटरी हेल्थ परसेंटेज शो रहे वो एक्यूरेट है, नो मैटर वो इंक्रीज हुए है या डिक्रीज हुए है जो भी है वो एक्यूरेट है। और ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे आपकी बैटरी साइकिल मेंटेन करते हैं, मतलब किस तरीके से आप आपके आईफोन को चार्ज करते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से चार्ज करता हूँ, मैं हर एक बैटरी साइकिल मेंटेन किए हुए हैं मैंने, इसी वजह से 89% से 100% तक मेरी बैटरी आ गई है आफ्टर रिकैलिब्रेशन प्रोसेस। तो आपको कैसे एक्चुअली में आपका फ़ोन चार्ज करना चाहिए, आपके आईफोन की बैटरी साइकिल कैसे आपको मेंटेन करनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो डेफिनेटली आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पोस्ट नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये तो एक केस था जहां पर आपको जो रिकैलिब्रेशन की प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होती है, बट इन केस आपको मैसेज शो होता है कि रिकैलिब्रेशन की बैटरी हेल्थ की प्रोसेस अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो आपको डबल चेक कर लेना है, आपको सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग में आपको जाना है बैटरी वाले ऑप्शन के अंदर और बैटरी के अंदर बैटरी हेल्थ के अंदर आपको सेम मैसेज शो हो जाएगा अबाउट दी रिकैलिब्रेशन बैटरी हेल्थ जो कि अनसक्सेसफुल हो गई है। तो इस केस के अंदर आपको कॉन्टेक्ट करना है एप्पल सपोर्ट का और आपको एक फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट करके देंगे ऑफिशियल एप्पल सर्विस सेंटर से। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आगे के स्टेप्स फॉलो करने में तो आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर लूँगा कि आपको कैसे फ्री में रिप्लेसमेंट करके देंगे ऑफिशियल एप्पल सर्विस सेंटर से, आपका आईफोन वारंटी में है या नहीं है, आपको फ्री में बैटरी रिप्लेस करके देंगे अगर आपको शो होता है मैसेज अनसक्सेसफुली का। तो ये थी एक प्रोसेस पूरी रिकैलिब्रेशन बैटरी हेल्थ की आईफोन 11 सीरीज के आईफोन्स के लिए। आपके क्या बैटरी हेल्थ परसेंटेज है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना।
So that's all about the battery recalibration process. Hope you guys get all the details in this video, and as always, thanks for watching, and I will see you in the next one.